नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अवर वर्ल्ड, आपकी दुनिया। जी हाँ, जो जोड़े आपको आपसे आपके मस्तिष्क में फैलाए ज्ञान का प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, आइए जुड़िए हमारे संग और लुत्फ लीजिए नए प्रकार के टेक्नोलॉजी वीडियोस का। तो जी हाँ दोस्तों, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे एक नए वीडियो के सिलसिले में मिल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आपको यह अवश्य ही पसंद आएगी। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे साथ आगे बढ़े। यदि हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल से समानता होती है तो इसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। लेकिन हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि सिखाने वाले का तरीका और सीखने वाले का मस्तिष्क अलग भी हो सकता है। एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं, इसीलिए हम इस बात से इनकार करते हैं कि हमारे द्वारा किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन हुआ है। अगर इसके बावजूद हमसे कोई गलती होती है तो हम इसके लिए एक क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। I really hope you will be enjoy my tutorial. Keep watching my channel. I think you are subscribed my channel. Don't forget to give that important feedback to our channel. If you feel any problem to understand this tutorial, please personally contact with me at my email ID or lucas132@mail.com/ravi.passion32. But I have actually really enjoyed my tutorial. Please forgive me for small mistake. ज्ञान का ऐसा मधुर प्रसारण आपको कहाँ मिलेगा? हमारी उन सभी सोशल वेबसाइट यूजर से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे इस वीडियो के लिंक को प्रचार ना समझें, यह आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। I don't pressurize to you subscribe my channel. It is not a promotional link. If you are realize my video is useful for you, then go ahead and subscribe my channel. But you seems it is not a useful information, forget it. If you catch any mistake which is done by me, kindly give a comment. Because I am tried in my label best for my side. This is the initial stage of my channel, please do appreciate me. Thank you. Now watching a tutorial. Namaskar dosto, ye to thi hamari bhumika jo aapne suni, आपको अच्छी भी लगी होगी। कोई बात नहीं दोस्तों, ये हमारे टीम मेंबर और अब हम अपने सोलवे ट्यूटोरियल की ओर बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो आप आज हमारा एंजॉय करेंगे सोलवा ट्यूटोरियल। जी हाँ दोस्तों, आज 31 जुलाई है और शाम के 40:45 हमारी घड़ी में हो रहे हैं। और एसपी टेक जी ने कमेंट किया था, ये चैनल के हवाले से इनका नाम है, नाम बदला हुआ उनका चैनल रहा होगा। उनका कि आप बातें बहुत करते हैं और क्या करें दोस्तों, हमारी फील्ड से हमारा लगाव ही इतना गहरा है कि हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हमारी हर वीडियोस में कमिटमेंट रही है कि आप हमें सकारात्मक नकारात्मक हर प्रकार के कमेंट दे सकते हैं। तो हम उनकी इस कमेंट को सराहनीय ही रखते हैं। वाकई में उनके समय की बर्बादी हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी उन्होंने शिकवा शिकायत किया और ये शिकवा शिकायत भी मुझे अपनी तारीफ की तरह ही लग रही है। और वो मेरे मित्र हैं और हमारे फील्ड में काम कर रहे कार्यरत सभी सदस्य, सभी दिव्यांग भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे बंधु बांधव, मेरे साथी, मेरे ब्रदर और सिस्टर ही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे उनका सुझाव सराहनीय लगा तो मैंने सोचा कि नहीं, वीडियोस में सिर्फ मुद्दे की बात की जाए। लेकिन क्या कहें, जब मैं वीडियो बनाने पे आता हूँ तो मुझसे मेरी भावनाएं रुकती नहीं और मैं आवेग में आके अपना सब कुछ खो बैठता हूँ और आपके आगे अपने ज्ञान के साथ अपने अनुभव को भी साझा करने लग जाता हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन चलिए दोस्तों, शायद इसकी अभी के लिए फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं जो ट्यूटोरियल लाया हूँ उसी के ऊपर फोकस करते हैं दोस्तों। बस आपको सारे निर्देश ऊपर भूमिका में बता दिए गए हैं, आप उसी का पालन कीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो बस हमारे व्यूअर करके फास्ट फॉरवर्ड के विकल्प का इस्तेमाल मत कीजिएगा दोस्तों। तो जी हाँ, ट्यूटोरियल क्या है, सब्जेक्ट पे आते हैं। आज हमारा ऑब्जेक्ट जो है, आज जो हम सीखने वाले हैं, वो विंडो में मौजूद कैलकुलेटर के एक महत्वपूर्ण फंक्शन को सीखेंगे। अब तो वैसे तो ये ज़माना चला गया है, विंडो 10 आ गया है, ब्राउज़र भी एक से एक एडवांस आ गए हैं। लेकिन एक ज़माना हुआ करता था दोस्तों, जब हम मैनुअली फॉर्म भरते थे या कंप्यूटर पर भरते थे तो जावा नहीं होता था, तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और सब कंप्यूटर होने के बावजूद भी कलम और पेपर के साथ चूज के फॉर्म भरना पड़ता था और वही फॉर्म भरने में कितने समय
कितना समय लग जाता था, और समय लगने के साथ कभी कभार फॉर्म छूट भी जाता था और हमें हताश निराश होना पड़ता था। तो वो प्रक्रिया अब तो फिलहाल नहीं होती है, लेकिन उस समय भी साधन थे, लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन अब उस जमाने की उस चीज़ को अभी मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी रेयर केस में ये तकनीक इस्तेमाल हो जा रही है। अभी भी कागज़ वाले फॉर्म में ऐसी की तैसी हो जाती है लोगों की, तो वो मैं होने नहीं दूंगा। उसके लिए बस आपके पास एक साधारण सा नेटबुक या फिर एक महंगा सा लैपटॉप भी होगा तो शायद आपका काम बन जाएगा, और शायद मोबाइलों में भी होता होगा तो पता नहीं। जब होगा, मुझे मिलेगा, तो उसका ट्यूटोरियल आपके सामने आएगा। लेकिन जिसका सामने है उसका फिलहाल देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी जो पैदाइश है वो 4 अप्रैल 1984 है, और अब जब फॉर्म भरने आ रहे हैं आप, और 2021 16 फरवरी आज हो रही है, मान लेते हैं फिलहाल नहीं हो रही, आज 31 जुलाई है, मैं खुश आवाज में हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। तो वो पूछता है कि आज के समय में ये फॉर्म निकला है FCI का, और आप मुझे ये बताओ कि आप इस तारीख को कितने महीने, कितने साल और कितने दिन के हो गए। बड़े माथापच्ची का गेम है दोस्तों, मैथ वाला बंदा बड़ा बाजी मार जाता है 5 मिनट में, लेकिन जिसकी बैकग्राउंड ही आ रही हो क्या करेगा, बिल्कुल करेगा। इस ट्यूटोरियल को देखेगा तो बहुत कुछ करेगा। विंडो में कैलकुलेटर नाम का फीचर होता है, और विंडो चाहे 7 हो, XP हो, विस्टा हो, 10, 8, 8.1 कुछ भी हो, सब में चलेगा। दोस्तों, करना क्या है उसका स्टेप अभी आपको जॉस के साथ बताया जा रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। तो चलिए इसको कर लेते हैं, कम समय में बहुत सारी बातें और ज़्यादा कुछ सीखना है, एंटरटेनमेंट फन भी करना है दोस्तों। तो म्यूजिकल दौर का भी मजा लीजिए बैकग्राउंड में, और आइए ट्यूटोरियल का एंजॉय करते हैं। कहते हैं ना, हंसी खुशी और संगीत में रूप से अगर नॉलेज की प्राप्ति है तो शायद दिमाग में आसानी से आती है। दोस्तों, मसाला लगा हुआ खाना किसको पसंद नहीं आता, तो स्टार्ट मेन्यू करता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। इतना लिखने से ही कैलकुलेटर आ गया, बहुत ढूंढना भी नहीं पड़ा, ठीक है। और प्रोग्राम में जाने का और कहां कहां जाने का कुछ नहीं, एंटर कर देंगे। यहां दबाएंगे ऑल्ट, मेन्यू बार व्यू, व्यू आ गया, डाउन एरो करेंगे, मेन्यू व्यू में साइंटिफिक प्रोग्राम रो स्टैटिस्टिक्स हिस्ट्री कंट्रोल प्लस एच चेक, यहां डेट तक जाएंगे, डिजिट प्रूफ बेसिक कंट्रोल यूनिट डेट कैलकुलेशन कंट्रोल प्लस एच चेक डी, ठीक है। डेट पे आ गए, एंटर करते हैं, लीविंग मेन्यू रिजल्ट कोलन 0, ठीक है। अब हम टैग करेंगे तो देखिए क्या बोलेगा, फ्रॉम डेट, डेट टाइम कॉम्बो बॉक्स कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स 1 और 2 टू चेंज द सिलेक्शन यूज द एरो की, इसी पे हमारा कर्सर रहता है, इसी पे रहना चाहिए, नहीं है तो इसी पे लाएंगे कि बिटवीन टू डेट में कंपैरिजन करना, ठीक है। समानता मिलानी है तो दो तारीखों के मध्य वाला ऑप्शन मिलना चाहिए। From daytime pick combo box 31/07/19 to change the selection from date time को, यानी C, ठीक है। तो C में तो हमारा सिस्टम का जो रहता है वही उठा लेता है, और 2 में भी वही उठा लेता है जिस समय हमने कंप्यूटर ऑन किया होता है, जो भी तारीख चल रही होती है वर्तमान समय की वही ले लेता है। तो C वाला तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्म आज ही भर रहे हैं तो स्वाभाविक है आज ही का ही रहेगा। फिर जब फॉर्म आज ही निकला है तो डेट भी आज ही की रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म बंद हो जाने की डेट डालनी है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स से लेकर के एज से लेकर के एक्सप्लोरर तक, जावा बिना खोजे ही काम करते थे दोस्तों। लेकिन ये मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो टैप करते हैं एक दफ़ा और, The daytime pick combo box 31/31/07/19 to change the selection use the arrow keys. यहाँ भी आज की ही बता दी, लेकिन अब मैं डालता हूँ डेट 2/4/84 डालूंगा दोस्तों, लिखते हैं, तो लिखते हैं 2 divide 0 2 बोल रहा है स्लैश को, बोलने दीजिए 4 Divide 04 और 1984 तो 1 9 8 4 1984
इंसर्ट के साथ आप एरो करके कंफर्म कर लीजिए कि आपने जो डेट लिखी है सच में लिखी आई है कि नहीं। यहाँ एरो की को मूव करेंगे तो इधर उधर छितर भीतर हो जाएंगे, डेट हिल जाएगी आपकी, इसलिए वो करने से अच्छा है कि इंसर्ट आप एरो से कंफर्म कर दें और उसके बाद बाकी की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें। तो करके देख लेते हैं, अपने आप उसने जीरो ले लिया क्योंकि डिजिट सब दो दो अंकों में होता है, डी डी एम एम वाई वाई, ये दो 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 और चार वाई वाई, तो हमने जीरो नहीं भी लिखा था, लेकिन कंप्यूटर इंटेलिजेंट होता है, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज भी करता है और उसमें कभी कभार हमें सुधारता भी है, लेकिन हमें लिखना चाहिए था खुद से, लिख गया, अगर नहीं लिखता दोस्तों तो आप अपना लिख ले, ये मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, और मैं आप करता हूँ टैप से, वहाँ कैलकुलेट बटन मिलेगा वहाँ मैं स्पेस करूँगा, मैं बता दे रहा हूँ, टैप करते हैं दोस्तों, difference left pair of years, months, weeks, difference left pair of days, right pair, calculate button to activate, press space bar, space कर देता हूं, space, difference left pair of years, months, weeks, days, right pair, read only edit, 35 years, 3 months, 4 weeks, 1 day, use your reading key to read the text, मैं बता दिया, वो व्यक्ति इस समय कितने साल का है, 35 years, 3 months, 4 weeks, 1 day, 35 साल, तीसरा 3 महीने, 4 सप्ताह, एक दिन का व्यक्ति है, 35 years, 3 months, 4 weeks, 1 day. और shift tab करेंगे तो उसके टोटल जिए हुए दिनों की संख्या आ जाएगी हजारों, कितने हजार, पैदा होने से किलकारियों से अभी युवा जवानी तक के उसने कितने हजार दिन जी दिए, ये भी एक लॉजिक है दोस्तों, पता लग जाएगा, और इसमें हम लोग सोचेंगे हमने कितने जीवन के उतार चढ़ाव देखे होंगे 84 वाले व्यक्ति ने अपने जीवन, कितने सुख दुख झेले, और आज 21 जुलाई है दोस्तों, 31 जुलाई, सॉरी, तो शिफ्ट टैप करता हूँ, डे टाइम पिक डिफरेंट डिफरेंस लेफ्ट पेयर डे राइट पेयर कैलकुलेट रिजल्ट कॉल डे टाइम कॉम्बो बॉक्स फ्रॉम डे टाइम टू डे टाइम डिफरेंस लेफ्ट पेयर इयर्स मंथ्स वीक्स डे राइट पेयर रीड ओनली एडिट 35 इयर्स 3 मंथ डिफरेंस लेफ्ट पेयर डे राइट पेयर रीड ओनली एडिट 12903 डेज यूज योर रीडिंग की 12900 कितने डेज 12903 डेज 3 दिन 12903 दिनों में 35 साल 3 महीने 4 हफ्ते और 1 दिन हो जाता है दोस्तों, और कल वो व्यक्ति 12902 दिनों का हो जाएगा, जी हाँ, एक अगस्त की बात है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले अंक में, ठीक है, 12009 escape, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, all that for, पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, बाकी खैर कोई बात नहीं, सब कुछ आप पे निर्भर करता है, आप ही हमारे फरिश्ते और मसीहा हैं, तो आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर आप लोगों से अगले अंक में।